नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण पर मुहर। हेमंत कैबिनेट ने बेरोजगारों को जीवन यापन भत्ता देने और प्राइवेट सेक्टर में 75% तक आरक्षण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान नहीं की गई। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्वयं इसकी घोषणा समय के साथ करेंगे। कैबिनेट ने इसके साथ ही लगभग 1.5 दर्जन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान दी है। बता दें, झारखंड के बेरोजगारों को भत्ता देने को लेकर कैबिनेट के निर्णय से तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को एक बार 5,000 रुपये तक का भत्ता दिया जाएगा। यह राशि उपायुक्तों की अनुशंसा पर स्थानीय युवाओं को मिलेगी जिनका नियोजनालय में निबंधन हो चुका हो। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में शुक्रवार को साइक्लोनिक सर्कुलेशन आसमान में 1.5 किलोमीटर तक कायम था। पश्चिम विक्षोभ एवं हवा के बहाव में दिशा बदलाव की वजह से झारखंड के कई इलाके में आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मेघ गरज के साथ ही हल्की बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में शनिवार को भी उन इलाकों में कहीं कहीं आंशिक बादल, मेघ गर्जन एवं हल्की बारिश की संभावना है। पारा शिक्षकों पर पारा गरम, जा सकती है नौकरी। पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष से लेकर अस्थायीकरण व वेतनमान देने की दिशा में आगे बढ़ रही राज्य सरकार पारा शिक्षकों के आंदोलन पर अब सख्त हो गई है। बता दें, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने बच्चों की शिक्षा को देखते हुए पारा शिक्षकों के 15 से 19 मार्च तक प्रस्तावित विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को अनुचित करार दिया है। साथ ही इस अवधि में सभी पारा शिक्षकों को स्कूल में उपस्थित सुनिश्चित करने का आदेश सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया है। हेमंत सोरेन के फॉर्मूले से नौकरियों की बरसात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस नए और कारगर फॉर्मूले से राज्य में नौकरियों की बरसात होने वाली है। बता दें, सरकार इसके लिए पक्का इंतजाम करने में जुट गई है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में प्राइवेट सेक्टर की 75% नौकरी स्थानीय लोगों को दिलाने का वादा किया था। बता दें, नई व्यवस्था के तहत राज्य में अब 30,000 रुपये तक वेतन वाले पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे। झारखंड में प्रत्येक 7 किलोमीटर पर होंगे प्लस टू स्कूल। राज्य सरकार प्रत्येक 7 किलोमीटर की परिधि में एक प्लस टू स्कूल की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ताकि विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए दूरी नहीं जाना पड़े। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर उपायुक्तों के माध्यम से सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाई है। इस मानक के अनुरूप किस जिले में कितने अन्य प्लस टू स्कूल की आवश्यकता है, अधिसंख्या जिलों से रिपोर्ट मिल गई है जिसकी समीक्षा की जा रही है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन के लिए डोर टू डोर सर्वे। रांची के आसपास ग्रामीण इलाकों में बिजली विभाग द्वारा नए कनेक्शन के लिए अब डोर टू डोर सर्वे अभियान चलाया जाएगा। बता दें, इसकी शुरुआत बेड़ो प्रखंड से होगी। इसके लिए बिजली विभाग द्वारा विशेष टीम भी बनाई गई है जो नए कनेक्शन के लिए डोर टू डोर सर्वे करेगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड के सभी जिलों में सर्वे किया जा रहा है। इसमें बेड़ो प्रखंड के विभिन्न गाँवों में 8 मार्च से सर्वे का काम शुरू हो चुका है। ओबीसी आरक्षण की सीमा 27% बढ़ाने की मांग को लेकर 14 को बैठक। झारखंड में ओबीसी आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी की मांग तेज होने लगी है। बता दें, झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के संयोजक कैलाश यादव ने कहा कि महागठबंधन नेतृत्व वाली हेमंत सरकार राज्य के ओबीसी को 27% आरक्षण देने की अपनी चुनावी वादों को अविलंब पूरा करे। उन्होंने बताया कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर आगामी 14 मार्च को रांची सेक्टर 2 स्थित दलित वर्ग अम्बेडकर कैंपस में दिन 11 बजे से मंच के कार्यकारिणी की अहम बैठक आयोजित की जा रही है। झामुमो पश्चिम बंगाल में नहीं उतारेगी प्रत्याशी। झामुमो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले दिनों झामुमो से समर्थन मांगा था। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को समर्थन की घोषणा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आग्रह पर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन से चर्चा की गई। पार्टी में काफी विचार विमर्श के बाद सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय लिया है। आजादी का अमृत महोत्सव पर सीएम ने साइकिल रैली का किया उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित साइकिल रैली का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर स्वयं साइकिल चलाई। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को गर्व है कि देश की आज़ादी के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी।
भारत का लोकतंत्र इन वीर सपूतों की कुर्बानी की ही देन है। आपको बता दें कि खेल विभाग द्वारा साइकिल रैली आयोजित की गई थी। झारखंड में 57 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 30, पूर्वी सिंहभूम 6, धनबाद 4, बोकारो 4, रामगढ़ 6, हजारीबाग 1, गुमला 1, गोड्डा 1, सिमडेगा 2, लातेहार से 2 मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1093 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 509 है। भारत में 24,845 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। भारत में कुल मौत की संख्या 158,483 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 199,022 है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में अब तक 2,39,63,345 लोगों को कोरोना टीका दिलाई गई।